तो हेलो गाइस, ये है मेरा ब्लॉग नंबर 3 और आज है 4 अक्टूबर और दिन की शुरुआत होती है सुबह के 8 बजे से। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कितना हो गया और कितने लेक्चर बाकी है, देन उसके बाद टू डू लिस्ट बनाऊँगा। तो ये रहा आज का टू डू लिस्ट, ये सब आज मुझे करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 कर रहा हूँ। आज मैं 9 बजे से स्टार्ट ही किया हूँ, तो इस वजह से हो सकता है आज का स्टडी आवर 6 आवर से कम हो जाएगा। जो चैप्टर मैंने कर लिया है उसे इस ट्रैक लिस्ट में मैं टिक कर देता हूँ ताकि पता रहे कि कितने हो चुके हैं और कितने करने बाकी हैं। आफ्टर डेट मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 फिर से, क्योंकि एन फैक्टर वाला टॉपिक जो था मेरा थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको करके फिर लेक्चर नंबर 3 करूँगा। पंद्रह मिनट में ही ख़त्म हो गया ये चैप्टर, इतना फास्ट। ओनली मुझे एन फैक्टर वाला ही करना था, इसी वजह से इतना जल्दी हो गया। अब लेक्चर नंबर 3 कर रहा हूँ सॉल्यूशन का ही, और टाइम हो गया है 2 घंटा 59 मिनट। सॉल्यूशन के आज के लेक्चर खत्म हुए, अब मैं MR सर का लेक्चर देखने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज लेक्चर नंबर 2। तो चलो ये देखने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। काफ़ी लॉन्ग होता है MR सर का लेक्चर, अप्रॉक्स 2 आवर से ऊपर का ही होता है सारा लेक्चर। फाइनली मूवी ख़त्म हो गया और 4 घंटा 15 मिनट हुआ है लेक्चर करते करते। क्या क्या हो गया है टिक कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 2-3 सॉल्यूशन का हो गया, और लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का हो गया, और DPP नंबर 1 भी हो गया। 11 बजे जो पढ़ के उठा हूँ उसके बाद 11 बजे रात में ही पढ़ने बैठा हूँ, उससे पहले का सारा टाइम बर्बाद हो गया, जिसमें कि 2-3 घंटे तो वीडियो एडिटिंग में चले गया, और फिर 6 बज गया वीडियो एडिटिंग करते करते, उसके बाद तो फिर पढ़ा ही नहीं, फिर 11 बजे अब भी पढ़ने बैठ रहा। आज के तो 3 ही टास्क हुए हैं टू डू लिस्ट से, खैर कोई बात नहीं, सारे दिन तो अच्छे नहीं जाते। चलो फिर रिवीजन कर लेता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, फिर देखते हैं उसके बाद क्या क्या हो सकता है इतने टाइम में, वो कर लेते हैं। फाइनली कंप्लीट हो गया रिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, तो DPP भी साथ साथ ही कर लेते हैं, तो चलो DPP करते हैं। चलो इसमें टिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि DPP भी हो गया है इस चैप्टर का, देन फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिवीजन करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। तो लेक्चर नंबर 2 तक ही रिवीजन हो पाया, क्योंकि मैं जब भी रिवीजन करता हूँ तो स्टार्टिंग से करता हूँ, तो उधर का भी रिवीजन थोड़ा बहुत ही हुआ था, उतने अच्छे से नहीं हुआ था, तो इस वजह से टाइम लग गया, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है तो लेक्चर 2 तक ही हो पाया। तो आज तो बस 5 घंटे ये स्टडी आवर हो पाया है, आज टाइम ज़्यादा बर्बाद हो गया, कल से ट्राई करूँगा कि 6 आवर से ऊपर ही हो, उससे कम ना हो। तो सारे टास्क तो नहीं हो पाए, रिवीजन हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, उसका DPP भी हो गया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का DPP नहीं हो पाया, बट इसका रिवीजन मैंने कर लिया, कल सुबह सबसे पहले इसे ही निपटाऊंगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।